लाइफ के आप किसी भी पॉइंट पर खड़े हो, अगर आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो यू जस्ट फेल्ड. Most of the people lack in communication skill and no course will teach you this. Being a university student for about 2 years, मैंने अभी तक यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी ऐसा कोर्स नहीं देखा जो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल सिखाता हो. इसका मतलब ये है कि आपको ये बाय सेल्फ खुद सीखना पड़ेगा. पीपल सर्च ऑन यूट्यूब हाउ टू स्पीक इंग्लिश इफेक्टिवली, लेकिन वो सारी एडवाइसेस मोस्ट ऑफ देम आर रबिश. व्हाई? क्योंकि आप लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो. आप जितने भी मेरे एंटरप्रेन्योर्स को देख लो, लाइक स्टीव जॉब्स, इलोन मस्क, ये सब एक स्किल के मास्टर्स थे, और वो थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल एंड स्टोरी टेलिंग. इनफैक्ट जो नेगेटिव वर्ल्ड लीडर्स थे जैसे कि हिटलर और मुसोलिनी, ये भी एक स्किल को मास्टर कर चुके थे, और वो थी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. लोगों को अपनी बात पहुंचाना और उनके रिटर्न में अपनी बात को मनवाना इनको बहुत अच्छे तरीके से आता था. सो इफ यू वांट टू मेक मोस्ट ऑफ योर लाइफ, आप एक फ्यूचर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, फ्रीलांसर बनना चाहते हो, एक स्टूडेंट हो, आप एक बिजनेस ओनर हो, आप एक जॉब करना चाहते हो, आपको ये स्किल लाजमी से आनी चाहिए. सो कीप वॉचिंग. आई विल शेयर यू 7 इफेक्टिव स्टेप्स व्हिच यू कैन यूज टू मेक योर कम्युनिकेशन अप टू नेक्स्ट लेवल. सो जो पहला पॉइंट है वो है शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स. आप किसी से भी बात करते हो, किसी से भी मिलते हो, आपने कभी भी फेक नहीं होना, आपने उस बंदे में जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना है. आप लोगों ने काफी मरतबा कॉल पर सुना होगा, हाँ हेलो जी, क्या बात है, क्या कर रहे हो, ठीक है, ऐसे करते करते बात को एंड अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना, आपने उसकी इस जर्नी के अंदर इंटरेस्ट लेना है, ठीक है. आप किसी भी रैंडम बंदे से आप अपने कॉलेज के अंदर, अपने यूनिवर्सिटी के अंदर मिलते हो, आप उससे उसके बारे में पूछो कि तुमने ये चीज कैसे की, तुमने अभी तक क्या अचीव किया है, कैसे अचीव किया है, क्या तुम्हें इसके अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं, कैसे तुमने प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है. तो इन सारी चीजों से आप एक तो चीज सीखते हो, और दूसरा ये कि आप दूसरों में जितना इंटरेस्ट लोगे, दूसरा आपको उतने ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएगा, और आपको अपने सीक्रेट्स तक बता देगा कि उसने किसी भी सक्सेस को कैसे अचीव किया है. जस्ट लाइक कि कोई आपसे अगर बात करता है और आपकी बातों में इंटरेस्ट लेता है, तो आप उसको और ज्यादा एक्सप्रेसिव वे के अंदर समझाते हो, और एक्सप्रेसिव वे के अंदर अपने सीक्रेट्स को बताते हो. नंबर 2 पॉइंट है वो है बी एन एक्टिव लिसनर. अल्लाह ताला ने हमें 2 कान दिए और 1 जुबान दी है, ताकि हम सुने ज्यादा बोले कम. द मोर यू स्पीक द मोर यू लूज, द मोर यू हेयर द मोर यू गेन. अगर आप ज्यादा बोलोगे, आप अपने सीक्रेट्स, अपने नेगेटिव बातें, अपने फेलियर्स दूसरों को बताओगे, और जिसकी वजह से आपका जो टोटल मोराल है वो डाउन हो जाएगा. इसलिए दूसरों की बातों को ज्यादा सुनने की कोशिश करो. एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर आप सबसे कम बोलने वाले होने चाहिए, सबसे ज्यादा आपने सुनने की कोशिश करनी. जितना आप नॉलेज गेन कर सको उतना गेन करो, जहां पर जरूरत है बोलने की वहां पर आप अपना व्यू एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो जितना कम बोलो उतना ज्यादा बेहतर है. क्योंकि जब आप ज्यादा बोलते हो तो आप जो चीजें अनइम्पोर्टेंट होती हैं या अनरेलेवेंट होती हैं वो भी आप एक्सप्रेस कर देते हो, जिसका बाद में जाकर आपका मोराल जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाता है. और ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हम अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं जिन पर हमने एग्जीक्यूशन करनी होती है, हम उसको भी दूसरों को बता देते हैं, और हम उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. आप जितने भी बड़े बड़े लीडर्स को देख लो, सबसे कम बोलते थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो वो बहुत इफेक्टिव तरीके से बात करते थे. लेकिन मेन चीज ये है कि वो पहले दूसरों की बातों को अच्छी तरह ग्रैब करते थे, सुनते थे, समझते थे, देन अपना जो ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस करते हैं. जब आप किसी इंटरव्यू में भी बैठते हो तो आपने सबसे पहले इंटरव्यू की बात को सुनना होता है, उसके सवाल को समझना होता है, देन आपने उसका जो सोचने के बाद करेक्ट आंसर है वो देना होता है. जितना आप सुनोगे उतना आप ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर पाओगे. नंबर 3rd पॉइंट है स्पीक स्लोली बट विद कॉन्फिडेंस. मैंने नंबर 2 वाले पॉइंट में आपसे बात की थी कि आपने कम बोलना है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़े अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने की, तो आपने आहिस्ता बोलना है, ठीक है, स्लोली बोलोगे और कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे, तो अगला बंदा आपकी बात से इन्फ्लुएंस हो पाएगा. आप लोगों ने देखा होगा जो लोग आपसे तेजी तेजी में बात करते हैं, उनको ये फियर होता है कि शायद अगला बंदा मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा. कि जो बंदा आहिस्ता बोलता है वो ज्यादा कॉन्फिडेंटली, ज्यादा बोल्डली अपने बात को एक्सप्रेस कर लेता है अगले बंदे के सामने, और अगले बंदे को भी ये पता चलता है कि ये बंदा फुल कॉन्फिडेंट है, इसलिए आहिस्ता बात कर रहा है. आपने पीकी ब्लाइंडर्स के थॉमस शेल्बी को तो देखा होगा कि वो इतना ज्यादा लोगों में इतना फैन फॉलोइंग उसकी क्यों है, क्यों, क्योंकि वो उस शो के अंदर उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा स्लो था, वो बहुत आहिस्ता चलता था और आहिस्ता बात करता था, लेकिन जो वो बात करता था वो बहुत ज्यादा टू द पॉइंट बोल्ड बात होती थी, इसलिए अगला बंदा उसकी बात को सुनता भी था. एंड बिलीव मी, इस चीज को मैंने अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल किए. नंबर 4 पॉइंट है वो है मेक फर्म आई कॉन्टेक्ट. अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं आज सुबह उठा, मैंने उठने के बाद नहाया, नहाने के बाद मैंने स्टूडियो में आया, स्टूडियो में आकर मैंने वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद अभी मैं उसको एडिट करूंगा, फिर थंबनेल बनाऊंगा, फिर वीडियो अपलोड करूंगा, कितना अजीब, कितना वियर्ड लगेगा ये चीज. जब तक मैं आपसे देखते हुए, आपकी आंखों में देखते हुए बात नहीं करूंगा, इट इज सो वियर्ड.
इसीलिए अगर कोई बंदा आपके साथ इस तरह बात करता है तो आप उसकी बात के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते, आप उससे बात करना पसंद नहीं करते। तो सेम गोस्ट के आप भी जब किसी से बात करो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। देखिए जितना आप उसके फर्म आई कॉन्टेक्ट रखोगे उतना आपका जो इन्फ्लुएंस है वो अगले बंदे पर ज्यादा होगा। अगले बंदे को पता होगा कि ये बंदा मेरे से इंटरेक्ट कर रहा है। अगर आप इधर उधर देखते रहोगे तो अगले बंदे को भी समझ नहीं आएगी कि शायद ये जो बंदा ये कंफ्यूज लग रहा है। और खासतौर पर जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, किसी बड़े रैंक के बंदे से बात कर रहे होते हैं, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा डाउन कर देती है अगले बंदे के सामने। अगर आप उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते कोई भी उस बंदे का रैंक है, ठीक है, आप हमेशा उसकी आंख में आंख डालकर बात करो। एक्सेप्ट कि अगर वो आपके पेरेंट्स हैं या आपके टीचर्स हैं जिनको हमें ओबे करना चाहिए, जिनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके अलावा हर किसी के रैंक से आपने फर्म आई कॉन्टेक्ट रखा, ये चीज आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बूस्टअप भी करती है और अगले बंदे की नजरों में आपकी जो वैल्यू होती है वो भी बढ़ जाती है। नंबर 5 पॉइंट है लिसन विदाउट जजिंग। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारे रैंक से ऊपर का बंदा होता है, हमारे स्टैंडर्ड से एक स्टेप ऊपर होता है, हम उसकी बात काफी डीपली सुनते हैं, काफी डीपली उसकी बात को एनालाइज करते हैं, लेकिन जो बंदा हमारे रैंक से नीचे होता है उसको हम बस हेलो यस बाय बाय इस तरह करके उसकी बात जस्ट रैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपसे किसी भी रैंक का बंदा बात करता है आपने उसकी बात को डीपली एनालाइज करना है, डीपली उसकी बात समझनी है और उसका रिस्पॉन्स देना है। ये चीज आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है कि एक हाई रैंक का बंदा है मैं उससे ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ, एक लो रैंक का बंदा है या उससे कम नॉलेज वाला बंदा है उसके साथ मैं बस उसको रैप करने की कोशिश करूँ बात को, बस जल्दी से उसको टरखाने की कोशिश, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो बंदा जिस भी रैंक है आपने इक्वली सबको ट्रीट करना है। इससे ये होगा कि जो हाई रैंक वाला बंदा होगा उसको पता होगा कि ये बंदा अपनी वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और जो कम रैंक वाला बंदा होगा उसको पता होगा कि ये मुझे डिग्रेड नहीं कर रहा है या मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, तो दोनों रैंक्स के बंदे आपको लाइक करेंगे। नंबर 6 पॉइंट है स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग जेन्युइनली। आपके मुंह से निकले हुए अगले बंदे की मेहनत के लिए कुछ चंद अल्फाज अगले बंदे का पूरा दिन बेस्ट कर देते हैं। सेम गोस्ट अगर आप अगले बंदे को जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट करोगे, ना कि उसकी खुशामद करोगे बिल्कुल उस तरह जिस तरह लोमड़ी कव्वे की खुशामद करते हैं स्टोरी के अंदर, आपने जेन्युइनली अगले बंदे के हार्डवर्क, अगले बंदे के जो पास्ट में उसने सक्सेस हासिल की है, अचीवमेंट हासिल की है, उस पर जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट करो ताकि अगला बंदा और ज्यादा मोटिवेट हो सके, वो और ज्यादा आपको लाइक करेगा क्यों आपने उसका दिन बेहतर कर दिया। सेम गोस्ट अगर कोई आपके काम पर आपकी मेहनत पर आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, आपकी तारीफ करता है, जेन्युइन तारीफ करता है, तो उससे आपके अंदर और स्पार्क पैदा होता है और बेहतर होने। सो व्हाट यू सो सोशल यू रीप, जो आप बोगे वो आप काटोगे, जो आप अगले बंदे को जो चीज दोगे वही चीज आपको रिटर्न में मिलेगी। सो जस्ट स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग अदर्स जेन्युइनली नॉट फेक। सो नंबर 7 पॉइंट है आस्क एंड गिव हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों से आप जितना हेल्प उनकी करोगे और जितनी हेल्प उनसे लोगे आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। खास तौर पर जब हम कॉर्पोरेट लेवल पर चले जाते हैं मार्केट के अंदर, आपको जितना दूसरों की आप हेल्प करोगे आपकी अपनी स्किल उतनी ज्यादा बेहतर होगी, और अब जितना दूसरों से हेल्प लोगे उनकी स्किल भी बेहतर होगी, ठीक है, यानी कि आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे का फायदा कर रहे हो। एट द एंड आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। आपने खुद देखा होगा कि यार आप जब किसी की हेल्प करते हो आपको कितना ज्यादा अच्छा फील होता है, अगले बंदे की नजरों में भी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जब आप किसी से हेल्प लेते हो तो अगले बंदे की नजरों में आपकी वैल्यू और आपकी नजर में उस बंदे की वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है दोनों ही ग्रो कर रहे हो। तो आइंदा जब भी आपने किसी से हेल्प लेनी है कोशिश करनी है आप उसको 100% अच्छे तरीके से डील करो, अच्छे तरीके से उसकी हेल्प करो कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और अगर आपको भी कहीं पर किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी चीज समझ नहीं आती है, आपको मुश्किल पेश आ रही है, आप दूसरों से हेल्प लेने में हिचकिचाओ मत, और बिलीव मी दूसरे बंदे हर टाइम विलिंग होते हैं, ईगर होते हैं आपको हेल्प करने के लिए। और ये चीज हमें कभी भी नहीं सोचनी चाहिए कि शायद अगले बंदे को ज्यादा आता है, अगर मैं इसे पूछूंगा तो शायद ये बुरा ना मान जाए या ये मुझे काफी ज्यादा डिग्रेड करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लोग बहुत ज्यादा जेन्युइनली खुश होते हैं दूसरों की हेल्प करने के, तो ये मोरली उनको एक रिवॉर्ड देता है कि हमने किसी की हेल्प की है। सो आई होप ये जो 7 पॉइंट्स है दिस विल हेल्प यू इन बेटरिंग योर कम्युनिकेशन स्किल डे बाय डे। बट लिसन, जितना आप लोग इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करोगे उतना आप इसमें बेहतर होते जाओगे, और ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अगर आप सिर्फ वीडियो को सुनकर बस छोड़ देते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी कोशिश नहीं की है और आप इसके अंदर अपने इंप्रूवमेंट को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एंड आई होप आपने इस पूरी वीडियो के नोट्स लाजम से बनाए होंगे और आप इसको रिवाइज करोगे और साथ अपने स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। सो दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।